चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंटिन्यू टू वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, जैसे अभी फिलहाल तो यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अचानक से 440 आने लगता है, उसे कैसे कंट्रोल करें, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब, ठीक ठाक। आपका अपना दोस्त आरिश रोहित एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बताएंगे 440 जैसे 220 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन अचानक से 440 कैसे हो जाता है, जैसे 220 की जगह पे ये देखिए 379 377, यानी बहुत ही हाई वोल्टेज है ये। और ये तो डिजिटल मीटर है इसलिए बता रहा है, लेकिन जो कांटा वाला मीटर होता है यहाँ पे देखिए, ये देखिए 300 पे जाकर रुक गया है और इसके आगे ये कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि इसका कैपेसिटी ही 300 है। तो ये होता क्यों है, यहाँ पे देखिए 402 वोल्ट और इससे पहले आप देख रहे थे बिल्कुल नॉर्मल वोल्ट, ये नॉर्मल था वोल्ट, वोल्टेज बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। और ये कभी कभी देखिए इस तरह से वोल्टेज क्यों आ रहा है, होता क्यों, ये फॉल्ट कहाँ से होता है, ट्रांसफार्मर से होता है, पोल से होता है, ये आपके मीटर से होता है, आपके घर से होता है, कहाँ से होता है, ये बताएंगे आज के इस वीडियो में। और इतना वोल्टेज अगर आएगा तो घर में लगे कोई भी डिवाइस है, जो भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो खराब होना लाजमी है, क्योंकि हमारे घर में जो भी डिवाइस होता है वो 220 से 240 250 लास्ट कैपेसिटी होता है, लेकिन अगर वहां पे आ जाए 300 वोल्ट तो खराब तो होगा ही होगा। तो इसे कैसे ठीक करें और इसका फॉल्ट होता कहाँ। हाँ, हम आ चुके हैं छत के ऊपर जहाँ से हमारा दोनों वायर मीटर को गया है, और ये जो ब्लैक प्लास्टिक बंधा हुआ दिख रहा है ये हमारा ग्राउंड है, अर्थिंग न्यूट्रल, और ये ज्वाइंट था इस वायर में, और ये जो ब्लैक प्लास्टिक लगा हुआ है ये हमारा गर्म फेस है, ये वाला ये गर्म फेस है, तो ये तो गर्म है ही, लेकिन इसमें भी एक और जो वायर ऊपर से आया है ये वाला, इसमें भी गर्म ही आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला वायर ज्वाइंट करके और पिलर वाला वायर के साथ ज्वाइंट कर देंगे। देखिए, जब इसमें ग्राउंड है, अर्थिंग पहले से ही है, तो पिलर वाला में ज्वाइंट करते समय स्पार्किंग नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा है, क्योंकि ये भी गर्म फेस है और ये ग्राउंड से, अर्थिंग से, न्यूट्रल से टकरा रहा है। देखिए यहाँ पे मोबाइल, और एक हाथ में मोबाइल, इसलिए दिक्कत हो रहा है, दिखाते हैं आपको। देखिए स्पार्किंग कर रहा है, जबकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड तो ये है ही। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करके इसके बाद नीचे आपको दिखाते हैं वोल्टेज कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो चलिए, ऊपर ज्वाइंट करने के बाद आ चुके हैं हम नीचे, और ये हमारा वोल्ट मीटर जो 300 पे जाके रुक रहा था बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। देखिए, और इट्स डिजिटल वोल्ट मीटर में भी दिखाते हैं, तो यहां पे आप देखिए वोल्ट मीटर डिजिटल 256 वोल्ट। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं।
तो ये समस्या अगर आपके साथ आ रही है तो इसे आप इस वीडियो को देखकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।